बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 404 का लेक्चर नंबर 20 करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हम लोगों ने कुछ इसकी कैटेगरीज पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कुछ आज इसकी जो कैटेगरीज हैं हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का जो एक चैप्टर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक प्लीज जरूर किया करें और आगे शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने सबसे पहले ट्राइकोटिलोमैनिया डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है कि एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होती है। इंसान को ना अपने बाल खींचने की जो है ना वो आदत होती है। जिन लोगों को ट्राइकोटिलोमैनिया डिसऑर्डर होता है, इस डिसऑर्डर को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बार बार वक्फे वक्फे से अपने बालों को खींचते हैं, अपने स्कैल्प से यानी कि जेल से खींचेंगे या अपने अपने जो है ना वो जो सर की जो स्कैल्प होती है उससे जो है खींचेंगे, या आईब्रोज में से खींचेंगे, या आई लैशेज में से खींचेंगे, या बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है ना वो अपने बालों को उखाड़ते हैं, खींचते हैं। ये जो डिसऑर्डर होती है इसमें ये होता है कि इंसान एक या दो ही बॉडी पार्ट से अपने जो है ना वो बाल खींचता है, और उसमें भी मोस्टली ज्यादातर लोगों को आदत होती है कि सर के बाल ज्यादा जो है ना वो उखाड़ते हैं। इसमें ये जो डिसऑर्डर होती है इसमें ये क्या करते हैं कि एट अ टाइम एक वक्त में सिर्फ एक बाल ही खींचते हैं, और ये कॉमन तब होता है जब बंदे को बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो, तो फिर हेयर पुलिंग बिहेवियर उनके अंदर ज्यादा होता है। और इवन के कुछ तो ऐसे होते हैं लोग जिनको ट्राइकोटिलोमैनिया डिसऑर्डर होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अपने बालों को खींचते हैं, यानी कि पहले अपने बालों को तब तक वो थोड़े थोड़े जो है ना वो खींचते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल जो है ना उनको सीधा नजर आएगा, बिल्कुल उसको ठीक करेंगे, सीधा करेंगे, फिर आराम से जो है ना वो, और इवन के वो सर्टन टाइप ऑफ हेयर के ही सिलेक्ट करते हैं, यानी कि पहले वो ढूंढते रहेंगे, हाथ लगा लगा के कौन सा जो है ना वो बाल खींचूं, और फिर उसके बाद जो उनको पसंद आएगा, जो उनका दिल करेगा ना उसको वो खींचेंगे। ये इसकी वजह से जो उनको जो डिस्ट्रेस होती है, इम्पेयरमेंट होती है, उनको एम्बेरसमेंट भी होती है अपने इस बिहेवियर की वजह से, इस एम्बेरसमेंट की वजह से फिर वो जो इंडिविजुअल होता है वो अपने इस हेयर पुलिंग बिहेवियर को रिड्यूस करने की या बिल्कुल स्टॉप करने की कोशिश भी करता है। इसके अगर हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो मेन एक वाजिया जो एक आपके पास क्राइटेरिया होगा वो यही होगा, एक सिम्टम के इंसान अपने बाल जो है ना वो टाइम टू टाइम बार बार खींचता रहेगा और इसकी वजह से हेयर लॉस भी होगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो बार बार कोशिश करेगा कि अपने इस हेयर पुलिंग बिहेवियर को डिक्रीज कर सके या बिल्कुल स्टॉप कर सके। ये जो हेयर पुलिंग जो होती है इससे उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी होती है, इम्पेयरमेंट होती है, उसको प्रॉब्लम होती है सोशल, ऑक्यूपेशनल या जितने भी दूसरे जो फंक्शनिंग करने के जो एरियाज होते हैं उसके उनमें। हेयर पुलिंग या जो हेयर लॉस होता है, आप लोग इसको किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी अगर किसी बंदे को कोई डर्माटोलॉजिकल कंडीशन है, उसके बाल वैसे झड़ रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हेयर पुलिंग। ये इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे अगर ये बीमारी किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है वो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर उसके उसको है और वो अपनी बॉडी की अपीयरेंस को, अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लॉज और जो डिफेक्ट्स वो समझता है, उनको इम्प्रूव करने की अटेम्प्ट में अगर कोई अपने बालों को उखाड़ता है, तो फिर वो चीज़ जो है ना हम लोग उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। एक और जो डिसऑर्डर होती है वो होती है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। एक्सकोरिएशन एक स्किन पिकिंग डिसऑर्डर होती है। जिन लोगों को एक्सकोरिएशन होती है वो अपनी स्किन को पिक करते हैं, यानी कि यूं समझे कि चुटकियां काटना या वैसे जो है ना अपनी स्किन को यूं पील करना, ठीक है, इससे उनको जख्म भी हो सकते हैं, ठीक है, और सूजन भी हो सकती है, सुर्ख जो है वो धब्बे भी बन जाते हैं, या ज्यादा इस तरह के जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होती है ना कि इंसान अपने इस बिहेवियर को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो सेम एक्सकोरिएशन में भी इंसान ऐसा ही करता है। ज्यादातर जो सफरर्स होते हैं वो अपनी फिंगर से ज्यादातर जो है ना वो पिक करते हैं किसी भी एरिया को, और वो ज्यादातर उनकी यही तवज्जो होती है कि किसी एक एरिया के ऊपर ही जो है ना, यानी कि एक वो एरिया उन्होंने जो है ना वो महसूस किया हुआ था, उसी एरिया से जो है ना वो स्किन को पिक करते हैं। ज्यादातर जो है ना वो कॉमन होता है कि फेस से जो है ना वो पिक करते हैं, और भी एरियाज होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी आर्म्स से स्किन को पिक करेंगे, कुछ लेग से करते हैं, कुछ लिप से करते हैं, कुछ स्कैल्प से करते हैं, कुछ चेस्ट से, और कुछ जो है ना वो ऐसे करते हैं कि अपने फिंगर नेल्स जो
होते हैं, जो क्यूटिकल्स होते हैं इनको भी बैठ के जो है ना वो छीलते रहना, या इस तरह से जो एक बिहेवियर होता है ना वो उनका होता है। ये जो बिहेवियर होता है इसमें भी यही सेम वही सिचुएशन होती है कि एंग्जायटी या स्ट्रेस की वजह से ही इनका ये बिहेवियर ज्यादा ट्रिक हो जाता है। इसका जो अगर हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो DSM-5 में इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है डायग्नोस करने का, वो ये है कि इंसान एक तो रिकरेंट यानी कि बार बार स्किन को पिक करेगा, जिसकी वजह से स्किन लेशंस होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होंगे, रैशेज होंगी, जख्म बनेंगे, वाउंड्स होंगे। उसके बाद ये जो बार बार जो वो कोशिश भी करेगा अपनी इस आदत को या तो बिल्कुल ही ख़त्म करने की या काम करने की, स्किन पिकिंग की वजह से उसको परेशानी भी होगी, उसको प्रॉब्लम्स भी होंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और दूसरे जितने भी एरियाज होते हैं फंक्शनिंग के उनके अंदर। स्किन पिकिंग को आप लोग किसी और फिजियोलॉजिकल अफेक्ट के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को जो है ना वो कुकेन लेके भी इंसान जो है ना वो इस तरह की हरकतें करता है तो उसके साथ आप लोग इसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या कोई और मेडिकल कंडीशन है जैसे स्कैबीज यानी कि कोई एलर्जी वगैरह हो जाना उसकी वजह से भी अगर स्किन अगर खराब होती है तो उसको भी आप लोग इसके साथ नहीं जो है ना वो एट्रीब्यूट कर सकते। स्किन पिकिंग को आप लोग किसी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ भी आप लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्यूजन्स और टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, यानी कि एक स्किन से रिलेटेड इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की जो डेल्यूजन्स होती हैं या जो टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, इंसान को फील होता है कि मेरी स्किन के जो है ना वो जैसे गुदगुदी हो रही है या मेरी स्किन पे जो है ना वो कोई चीज़ चल रही है या इस तरह की जो है ना, तो इस तरह उसको जो कोई प्रॉब्लम्स होंगे जो कि उसको साइकोटिक डिसऑर्डर में, तो उसको जो है ना आप लोग उनके सिम्टम्स को इसके साथ आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से जो उनको लग रहा होता है कि इस एरिया में डिफेक्ट है तो बार बार उसको इम्प्रूव करने के लिए बार बार स्किन को पिक करते हैं, तो वो भी चीज़ आप लोग इसके साथ उसको नहीं जो है ना वो जोड़ सकते। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट में इंसान बार बार स्टीरियोटाइपीज करता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुदकुशी का उनका इरादा नहीं होता लेकिन फिर भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो टीनएजर्स होते हैं ना, ये वो ज़्यादातर ये देखने में भी आता है, काफ़ी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, ये जो टीनएजर्स होते हैं ना इनको आजकल कोई चढ़ता है मोहब्बत का बुखार और ये फिर क्या करते हैं कि खुद को कट्स लगाते हैं। तो ये कोई बड़ी खुशी वाली बात नहीं है कि महबूब के लिए कट लगा दिए, ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ये जो अगले भी खुश हो रहे हैं ना, हाय इस बंदे ने हमारे लिए कट लगाया, उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पागल इंसान से आपका पाला पड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना कोई वो सेल्फ इंजरी वाली जो चीज होती है ना वो भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कोई नॉर्मल बंदा ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। आगे एक और जो कैटेगरी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स में OCD की, वो होती है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड OC एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये होगी कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होती है वो अगर किसी मेडिसिन की वजह से हुई है तो फिर हम लोग कहेंगे कि बंदे को सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड OC एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें ये होता है कि इंसान को ये जो OCD होगी ना, OCD के सिम्टम्स उसके अंदर पाए जाएंगे और वो OCD उसको किसी मेडिसिन की स्टार्ट करवाने की वजह से या किसी मेडिसिन के विदड्रॉवल की वजह से जो है ना उसके अंदर ये बीमारी होगी। इसको अगर डायग्नोस करने की हम लोग बात करें, ऑब्सेशंस होंगी, कंपल्शंस होंगी, स्किन पिकिंग होगी, हेयर पुलिंग होगी, दूसरे जो बॉडी से रिलेटेड जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं वो होंगे, और भी जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं, ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सारे क्लिनिकल पिक्चर में यानी कि आप लोगों को बिल्कुल वाजिया तौर पे नजर आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्लाइंट की जो हिस्ट्री से उसका फिजिकली एग्जामिनेशन करके लेबोरेटरी के थ्रू उसके टेस्टिंग वगैरह करके फाइंडिंग्स वगैरह करके आपने दो तरह के शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। एक आपने ये करना होता है कि ये जो सिम्टम्स ऊपर वाले पहले पॉइंट में बताए गए हैं ये कब स्टार्ट हुए हैं, किसी भी सब्सटेंस यानी कि किसी भी मेडिसिन को यूज करवाने के साथ जो है वो स्टार्ट हुए हैं, उसके दौरान जो है वो रहे हैं, या जब वो दवाई छुड़वा दी गई है उसके बाद जो है वो स्टार्ट हुए। दूसरा आपने ये भी एविडेंस ढूंढना होता है कि जो सब्सटेंस और मेडिकेशन आप लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वाकई में उसके अंदर ये वाली सलाहियत है कि वो इस तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया हो गए। तीसरा क्राइटेरिया इसमें यह होता है कि आप इसको
उस डिजीज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो कि सब्सटेंस मेडिकेशन की वजह से नहीं होगी। इसमें तभी होगा अगर कोई सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है कि सब्सटेंस मेडिकेशन के पहले से मौजूद थे, तो फिर आप लोग उसको इसमें जो है ना वो इस कैटेगरी में आप लोग उसको नहीं रखेंगे। या जो सिम्टम्स हैं वो तकरीबन कोई एक मंथ से ज्यादा लंबे अरसे तक चले गए हैं, तो फिर भी आप लोग उसको इसके साथ इंड्यूस नहीं करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें और भी दूसरी चीजें देखनी होती हैं, आप लोगों ने एविडेंसेस जो है ना वो ढूंढने होते हैं कि क्या वाकई ये बीमारी नॉन सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड है या सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड है, ठीक है। उसके बाद एक और जो इसका क्राइटेरिया ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस होगी ये डिलीरियम के कोर्स के दौरान फिर आपको नजर नहीं आएगी। डिलीरियम का कोर्स क्या होता है कि जब मेडिसिन को अगर छुड़वा दी जाए तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका जब इलाज चल रहा होता है तो उस दौरान फिर ये वाले जो सिम्टम्स हैं आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस होगी इसकी वजह से जो है ना वो डिस्ट्रेस होती है और इम्पेयरमेंट होती है सोशल ऑक्यूपेशनल और फंक्शनिंग के दूसरे एरियाज के अंदर। लेकिन जब भी आप लोगों ने इस तरह की कोई भी डायग्नोसिस करनी हो कि सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल वाजिया तौर पे आपको नजर आने चाहिए। यानी कि ये नहीं कोई एक आध थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं तो बस आप लोग उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, ये डायग्नोस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग इसको यही जो आप लोगों ने जो है ना वो डायग्नोस करना है ना कि मेडिसिन के वजह से है या मेडिसिन के विथड्रॉवल की वजह से है, वो आप लोग तभी करेंगे जब क्राइटेरिया ए में जो जितने भी हम लोगों ने जो सिम्टम्स वहाँ भी ऊपर हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से वाजिया तौर पर क्लिनिकल पिक्चर के अंदर आप लोगों को नजर आए। उसके बाद एक और जो इसकी जो कैटेगरी है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। यानी कि ये वो डिसऑर्डर है जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है ना वो वाले सिम्टम्स होंगे लेकिन वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होंगे, किसी और मेडिकल कंडीशन के जो है ना वो अफेक्ट होंगे। इसमें क्या होगा कि ऑब्सेशंस होंगी, कंपल्शंस होंगी और इंसान को वही है कि वहम होगा अपनी अपीयरेंस के बारे में, होर्डिंग डिसऑर्डर होगी, स्किन पिकिंग डिसऑर्डर होगी, हेयर पुलिंग होगी, उसके बाद बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होंगे, दूसरे भी जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे आप लोगों को वाजिया तौर पे क्लिनिक में नजर आएंगे। उसके बाद इसका एक और जो क्राइटेरिया होता है, आप लोगों ने ये एविडेंस ढूंढना होता है हिस्ट्री के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के थ्रू कि जो भी दूसरी मेडिकल कंडीशन क्लाइंट की चल रही है क्या वाकई में वही मेडिकल कंडीशन ही एक उसका डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल अफेक्ट है ये वाली डिस्टर्बेंस या नहीं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि ये जो डिस्टर्बेंस है इसको आप लोग किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर बंदे के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो डिस्टर्बेंस है ये आप लोगों को डिलीरियम के कोर्स के दौरान नजर नहीं आएगी और इस डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है ना वो डिस्ट्रेस होगी और इंपेयरमेंट होगी सोशल ऑक्यूपेशनल और दूसरे फंक्शनिंग के एरियाज के अंदर। इसको जब आप लोगों ने डायग्नोस करना होता है तो इसमें आप लोगों ने कुछ स्पेसिफाई करना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये स्पेसिफाई करना होता है कि किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो वो किस तरह की है, विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिम्टम्स है, यानी कि जो मेन जो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं अगर आप लोगों को वो वाजह तौर पर नजर आ रहे हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, तो फिर आप लोग ये स्पेसिफाई करेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ज्यादातर इंसान का जो है ना यही चीज सामने आ रही है कि उसको अपने बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट नजर आते हैं या उसको जो वहम है अपनी बॉडी के डिफेक्ट के बारे में, तो फिर आप लोग स्पेसिफाई करेंगे विद अपीयरेंस प्री ऑक्यूपेशंस। लेकिन अगर आप लोगों को क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में होर्डिंग ज्यादा नजर आ रही है तो फिर आप लोग लिखेंगे विद होर्डिंग सिम्टम्स, या अगर हेयर पुलिंग वाली जो डिसऑर्डर है वो आप लोग को ज्यादा वाजह तौर पर नजर आ रही है तो फिर आप लोग उसको विद हेयर पुलिंग सिम्टम्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर स्किन पिकिंग ज्यादा नजर आ रही है तो फिर आप लोग उसको विद स्किन पिकिंग सिम्टम्स के अंदर रखेंगे। उसके अलावा भी एक और होती है अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये वो कैटेगरी होती है जिसको आप लोग तब अप्लाई करते हैं जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं,
और उनकी वजह से इंसान में डिस्ट्रेस भी हो रही होती है, इम्पेयरमेंट भी हो रही होती है, उसको जो है ना वो डिस्टर्बेंस भी हो रही होती है। लेकिन जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी का क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पर फुल नहीं हो रहा होता। ये जो अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव और रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको आप लोग उन सिचुएशंस में यूज करते हैं कि क्लिनिशियन, जो क्लिनिशियन होते हैं वो चूज करते हैं स्पेसिफिक रीजन, साथ में बताते हैं कि क्यों ये जो प्रेजेंटेशन है ये किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की तरह की उसको बीमारी है, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि वो बार बार अपनी जो है ना वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स करेगा, कि खुद को आईने में देखेगा, अपनी बॉडी को वो चेक करेगा, दूसरों के साथ रिलेट करेगा, सोचेगा दूसरों के साथ। तो लेकिन अब उसमें दो चीज़ें होना जरूरी है ना, कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी और साथ में इंसान का जो वहम होता है अपनी बॉडी के फ्लॉज के बारे में वो। लेकिन अगर इंसान के अंदर बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है लेकिन रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं है, तो आप लोग इसको कहेंगे कि ये अदर स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आएगा, यानी कि बॉडी डिसमॉर्फिक लाइक डिसऑर्डर है विदाउट रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ठीक है, तो ये जो अदर स्पेसिफाइड वाला होता है ना, ये आप लोग तब इसको अप्लाई करते हैं जब आप लोगों को रीजन पता होता है कि क्या रीजन है साथ में कि ये फुल क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे रीजन ये है कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स इंसान के अंदर मौजूद नहीं थे। उसके बाद एक होता है अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये कैटेगरी आप लोग तब अप्लाई करते हैं जब ओसीडी के सारे सिम्टम्स आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डिस्ट्रेस हो रही होती है सोशल ऑक्यूपेशनल दूसरे एरियाज के अंदर, लेकिन इस डिसऑर्डर का जो फुली जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता। और अगर हम लोग देखा जाए स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड में ये फर्क होता है कि स्पेसिफाइड में पता होता है कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा। आप लोग साथ रीजन मेंशन कर देते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया इसके अंदर मिसिंग है। लेकिन अनस्पेसिफाइड ये वो सिचुएशन होती है, आप लोग इनको इस सिचुएशन में यूज करते हैं जबकि जब क्लिनिशियन को पता ही नहीं होता कि मेन रीजन क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक इस ओसीडी की कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो फिल नहीं हो रहा। जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन इनसुफिशिएंट है किसी भी जो है ना वो क्राइटेरिया को आप लोग ठीक तरीके से नहीं पहचान पा रहे, तो फिर आप लोग उसको अनस्पेसिफाइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी के बारे में, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर और होर्डिंग डिसऑर्डर, इनकी जो है ना वो एटियोलॉजी तकरीबन कुछ सेम ही है। सबसे पहले हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। रिसर्च ने यह बात बताई है कि किसी हद तक जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, मॉडरेट जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के डिवेलपमेंट के अंदर। ब्रेन के इमेजेस लेके उनको भी स्टडी किया गया है और उससे ये बात सामने आई है, ब्रेन के अंदर तीन बिल्कुल क्लोज एरियाज होते हैं जो कि उन लोगों में बिल्कुल गैर मामूली तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको ओसीडी होती है। वो तीन एरियाज कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से। एक होती है ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो एरिया होता है जो कि आप लोगों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो माथे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके बिल्कुल मिड में पाया जाता है, बिल्कुल आपकी आईज के ऊपर। इस कॉर्टेक्स ये जो हिस्सा है, एक तो यहाँ पे अनविजुअल एक्टिविटी होती है, दूसरा एक जो दिमाग के अंदर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर, और तीसरा स्ट्रैटियम यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस स्ट्रैटियम, ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, उसके अंदर भी अनविजुअल एक्टिविटी होती है। इस बात को जो है ना वो देखा कैसे गया है, इस बात को टेस्ट ऐसे किया गया था कि जिन लोगों को ओसीडी होती है अगर उनको ऐसे सिम्टम्स ऐसी चीज दिखाई जाए जिनसे उनके सिम्टम्स प्रोवोक होते हैं, जैसे जिस बंदे को फियर होता है ना कॉन्टेमिनेशन का, उसको वहम होता है कि कोई चीज गंदी हो जाएगी उसमें मिलावट होगी, अगर उनके सामने आप मट्टी वाला ग्लव उनको दिखा देना तो उनके अंदर वो सिम्टम्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं ओसीडी के। तो जब ये सिम्टम्स जनरेट होते हैं तो ये जो तीनों एरियाज हैं इनके अंदर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये चीज इस तरह से जो है ना वो देखी गई थी। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, फिजिकल जो है, और उसके बाद सेक्सुअल एब्यूज या ये भी एक एसोसिएटेड होते हैं, इससे भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिवेलपमेंट जो है ना वो डिवेलप हो जाती है, या किसी ने अब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी हो, ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स उसकी जिंदगी में आए हों, तो भी ओसीडी हो सकती है।
उसके बाद टेम्परामेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि इंसान के अपना मिजाज, इंसान इंसान की जो अपनी जो है ना अपने पर्सनल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन लोगों को ओसीडी होता है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स होते हैं, यानी कि हर चीज़ का ब्लेम वो खुद पे करते हैं, हर चीज़ का जो इल्ज़ाम होता है ना वो खुद को देते हैं, और उस चीज़ पे बैठ के घंटों जो है ना वो सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करते हैं। स्पेशली अगर उनको बहुत लंबे अरसे तक होता है ना कि किसी इंसान को बहुत लंबे अरसे तक कहा जाए ये तो निकम्मा है, इसे कोई काम नहीं होता, या उनको हर वक्त अगर उनको डांटा जाए, तो उनके अंदर फिर ये होता है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ बड़े होते हैं तो वो हर चीज़ का ब्लेम खुद पे लेना और बैठ के टेंशन लेना वो स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से ओसीडी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। जिन लोगों को ओसीडी होती है उनके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशनैलिटी होती है। नेगेटिव इमोशनैलिटी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव इमोशंस की तरह वो ज़्यादा जोर देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हर चीज़ का जो नेगेटिव पहलू होता है ना वो उस पर बैठ के ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को वो ज़्यादा जो है ना वो कम सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग अगर रुकें और यहाँ पे अगर आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोचें, आप लोगों को पता होता है कि कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचना है, चीज़ को अगर साफ़ करनी है तो किस हद तक साफ़ करनी है, कब सफाई रोकनी है, कब जो है ना वो स्टडी करनी है, कब जो है वो स्टडी नहीं करनी, कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। अब आप लोगों को पता होता है कि कब कब काम करना है, कब कब उस काम को स्टॉप कर देना है। अब ये आपको कैसे पता चलता है? आप लोगों के बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो तो आप लोगों को नहीं ना सिग्नल देता कि आप ये वाला काम करना छोड़ दो। आप लोग खुद, आप हर इंसान को ना खुद सेंस होती है, वो सेंस होती है दैट इज एनफ, कि बस इतना काफ़ी है। ये सेंस जब किसी इंसान के अंदर आ जाती है तो वो चीज़ को जो है वो स्टॉप कर देता है। एक टर्म यूज होती है जेडा सेंशियस, इसको डिफाइन किया जाता है कि एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है नोइंग की, यानी कि जानने की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप लोग खाना खा रहे होते हैं ना, आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाता है कि बस इतना खाना काफ़ी है, मजीद नहीं खाना। जेडा सेंशियस जो होता है ना, ये एक सिग्नल होता है कि आपको पता होता है कि बस इतना सोचना है, बस इतनी सफाई हो चुकी है, ये काफ़ी है, जितना जिस चीज़ में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए ताकि कोई डेंजर से हम लोग बच सकें। ये जो एक ज़ेडा जो होती है ना, ज़ेडा सेंशियस, इसको याददाश्त भी कहा जाता है कि आप अपने दिमाग को यूज़ करके आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कब तक करनी है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जिन लोगों को ओसीडी होती है ना, उनके अंदर ज़ेडा इसकी ज़ेडा सेंशियस की जो है ना वो कमी होती है, क्योंकि वो उनके अंदर ये एक इंटरनल सेंस नहीं होती कि चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपनी सोचों को और अपने बिहेवियर्स को स्टॉप करना। वो हर चीज़ को यूँ देखते हैं, हालांकि उनको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको अगर नज़र भी आ रहा हो ना कि अब इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोव को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है, इवन थोड़ी देर के लिए वो फील करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि उनके अंदर एक तो इतनी ज़्यादा एक एनर्जियस इंटरनल सेंस होती है उनके अंदर, उनको परेशानी होती है कि चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, तो वो फिर दोबारा जो है ना वो ही काम करते हैं। कुछ बिहेवियरल एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। बिहेवियरल मॉडल्स कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ कंपल्शंस। ऑपरेंट कंडीशनिंग पहले भी मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को जो है ना वो कंसेप्ट थोड़ा ताज़ा कर देती हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा जब आप लोग काम करते हैं ना, तो उसकी अगर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, तो आप वो काम दोबारा करेंगे। अगर आप लोगों को अनसेटिस्फेक्शन मिली है तो आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे। कंपल्शंस भी ऐसे ही होते हैं। कंपल्शंस जो होते हैं ना, यानी कि जो काम अब बार बार इंसान करता है ओसीडी में, कंपल्शन से इंसान को थोड़ा सा सुकून मिलता है, उनकी एंग्जाइटी जो है ना वो कम होती है। तो जैसे अब कंपल्सिव अब हैंड वॉशिंग है, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है ऑब्सेशन की वजह से। वो जो उनको एक वहम होता है ना कि मेरे हाथों पे जरासीम है, उसे उनको एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, वो हाथ धोते हैं उनको यानी कि एक कंपल्सिव बिहेवियर है ना बार बार हाथ धोना, वो हाथ धोते हैं, उनको सुकून मिलता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इस सेटिस्फेक्शन की वजह से वो फिर क्या करते हैं कि वो बार बार ये सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए बार बार कंपल्शंस करते हैं। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक ऑपरेट कंडीशनिंग होती है। सिमिलरली ऐसे ही वो बार बार जो है ना वो चूल्हे को चेक करेंगे, क्योंकि उनको एक एंग्जाइटी होती है कि पूरा घर जो है ना वो जल जाएगा। अपनी इस परेशानी को कम करने के लिए वो बार बार चूल्हे को चेक करेंगे कि बंद है या नहीं है। इस तरह के ये जो व्यूज होते हैं ना, ये हम लोग कहते हैं कि ये ऑपरेट कंडीशनिंग में आते हैं। उसके बाद
बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की अगर हम लोग एटियोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये देखा गया है कि जो करीब के रिश्तेदार होते हैं ना किसी भी इंसान के, अगर उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो फिर ज्यादा चांस है कि उस इंसान की उस इंसान में भी बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर डिवेलप हो सकता है। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इस कैटेगरी में उसमें यही है कि उनको देखा जाता है ज्यादा जो है ना उनका कॉन्कॉर्डेंस रेट देखा जाता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि जो करीब के रिश्तेदार होते हैं उनमें अगर डिसऑर्डर है तो फिर चांस है कि इंडिविजुअल के अंदर भी अगर डिसऑर्डर आएगा तो वो जेनेटिक फैक्टर होगा। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, बचपन के जो तजुर्बात होते हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इंसान के मेंटल डिसऑर्डर्स जो क्रिएट होते हैं वो बचपन के कुछ तजुर्बात की वजह से ही होते हैं। अगर कोई बच्चा है उसको बार बार अगर नजरअंदाज किया जाए, किसी बच्चे को अगर बार बार झिड़का जाए तो उससे क्या होता है कि उसकी उसके अंदर बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर बाद की जो लेटर स्टेजेस होती है उसमें पैदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बचपन में उनके बॉडी से रिलेटेड जो है ना वो मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारे जो है ना वो बॉडी ऐसी है, तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, ये है वो है। इससे भी इंसान के अंदर ओवर कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में और फिर उनके अंदर जो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है ये जन्म लेना शुरू हो जाती है। आजकल की जो मीडिया प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है कि मीडिया की वजह से हर कोई एक ना फिजिकल स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि हमने भी इसी तरह का जो है ना वो परफेक्ट नजर आना है। लोग खुद को मॉडल्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को उनके साथ रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी उनको सामने रख के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमने भी इन जैसा बनना है। इससे भी बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की डिवेलपमेंट होती है। उसके बाद होल्डिंग डिसऑर्डर की एटियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। इसका एक जेनेटिक रोल है और इसमें अगर आप लोगों ने देखना है कि ये फैक्टर जेनेटिक है या नहीं है तो आप फैमिली ट्रेंड को देखें। अगर फैमिली में ये ट्रेंड है कि होर्डिंग का चीजों को बिला वजह जमा करने का तो बच्चों के अंदर भी जो है ना वो ये वाली फिर आदत आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक कंडीशन से वो गुजरे हुए होते हैं तो उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर होती है। कुछ टेम्परामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं यानी कि इनडिसिसिवनेस, इंसान डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी चीज जरूरत की है कौन सी चीज जरूरत की नहीं है, तो इस वजह से भी जो है ना वो होर्डिंग डिसऑर्डर होती है। अपने इस डिसीजन ना करने की बेस पे इंसान जो है ना वो बेतुकी चीजें भी संभाल के रखना शुरू कर देता है। कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल भी इस चीज को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल ये कहते हैं कि जो होर्डिंग होती है ना इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि इंसान के अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा खराब होती है और जो इंसान है उसका गैर मामूली बिलीफ होता है अपनी पोसेशंस की तरफ और अवॉइडेंस बिहेवियर्स होते हैं इंसान के अंदर। मुख्तलिफ किस्म की कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज के साथ इंटरफेयर करती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग देखते हैं। कुछ लोगों को ये होती है कि अटेंशन के साथ जो है ना उनको डिफिकल्टी होती है, जिनको होर्डिंग डिसऑर्डर होता है ना उनको डिफिकल्टी होगी अटेंशन में और वो उनको क्या होता है कि चीजों को कैटेगराइज करने में उनको डिफिकल्टी होती है, वो चीजों को कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर उनको कहा जाए ना कि तुम चीजों को सेट्स बनाओ मुख्तलिफ कैटेगरीज में डालो तो होर्डर्स एक तो ये है कि जिनको ये होर्डिंग डिसऑर्डर होगी वो काम बहुत आहिस्ता करेंगे और जरूरत से ज्यादा कैटेगरीज बना लेंगे, उनको समझ नहीं आएगी मैं कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी में रखूं और इससे उनकी एंग्जायटी मजीद बढ़ जाती है। इसके अलावा चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल्स होते हैं उनमें उनको डिफिकल्टी होती है और साथ साथ क्या होता है कि कॉग्निटिव मॉडल फोकस करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अपनी पोसेशंस के साथ अपनी चीजों के साथ एक बहुत ही अनयूजुअल बिलीफ होता है, बहुत ही ज्यादा उसके साथ अटैच होते हैं। होल्डर्स को यही होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की इमोशनल अटैचमेंट होती है उनको अपनी पोसेशंस के साथ, इवन कि वो अपनी जब चीजों के साथ होते हैं तो वो बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, उनको यही खौफ होता है कि कहीं वो अपनी ये चीज खो ना दें। और ये भी देखते हैं कि वो जो अपनी जो चीज होती है ना इवन को अपनी आइडेंटिटी का और अपने सेल्फ का एक हिस्सा ही समझते हैं और इनका ये भी बिलीफ होता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी वो अगर बैठेंगे ना अगर उनको कहा जाए ना कि इन चीजों में से जो गैर जरूरी चीजें जो गंद है उनको अलग करो तो वो एक एक चीज को उठाएंगे, उनको लगेगी कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि डिसीजन लेने में उनको एंग्जाइटी होती है और फिर ये अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि अगर मैं इसमें से गंद को मैं अलहदा करूं तो हो सकता है मुझसे कोई कीमती चीज जो है ना वो खो जाए, मैं गलत फैसला ले रूं, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं फैसला लू ही ना
मैं अवॉइड करूं इस चीज से और ये चीज जैसे है वैसे ही ना वो पड़ी रहने दूं। तो ये कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद जो ट्राइकोटिलेमोनिया डिसऑर्डर होता है और जो एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर होती है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसमें जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। दोनों तरह की जो डिसऑर्डर्स होती हैं ये उन लोगों में कॉमन होती हैं जिनके करीब के रिश्तेदार जो होते हैं ना उनमें ज़्यादातर ओसीडी होती है। उसके बाद बस यही था आज का हमारा लेक्चर, इसकी बस ये जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए हुए हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों का लेक्चर है ना, इसको आप लोगों ने एक दो दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। एंड ओवरऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खैर, PSY 404 सारा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर आप लोग देखें ना, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग साइकोलॉजी की सारी बुक्स पढ़ लें। आपको जब डिजीजेस का ही पता नहीं होगा तो कोई फायदा है साइकोलॉजी पढ़ने का? डायग्नोस आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन सी डिजीज क्या होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस बुक को स्टडी करें। सिर्फ पेपर देने की गर्ज से आप लोग स्टडी ना करें, अपने प्रोफेशन की गर्ज से आप लोग इसको स्टडी करें, ठीक है। उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है ना वो लेके चलें। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।